बट हाईलाइट में जरूर देखने को मिलेंगे। ये शॉट था, पहला मिस किया था पर दूसरा बॉडी शॉट और वो प्लेयर डाउन। बिल्कुल पैराडॉक्स की साइड से हमें बढ़िया विंचेस्टर का इस्तेमाल देखने को मिलता है। ड्रीम्स को फिलहाल वहां पे काफी अर्ली स्पॉट करके डाउन किया गया था। आप देखिए कि टीम सेल्सियस के खिलाड़ी कितने अर्ली स्टेज ऑफ मैच में हम देख रहे थे कि एक एक करके डाउन होते जा रहे थे, बट उसके बावजूद वो जो एक खिलाड़ी थे उन्होंने अपनी टीम को टॉप 5 तक पहुंचाया। आप यहाँ पे देख रहे थे कि जो प्लेयर रश कर रहा था वो शायद एक बार के लिए बच गया था, नहीं चले टॉप डॉग वहां पे फिनिश हो गए थे। बट ओल्ड हुड के प्लेयर पिछला मैच उनके लिए बहुत ज्यादा बढ़िया गया था, इस मैच में कुछ खास नहीं रहा। बट ये वाली फाइट 247 वर्सेस टीम सुपारी गैंग की जो फाइट थी वो देखने लायक थी। जिस तरीके से डैडी, आप देखें, इतना ज्यादा प्रेशर में वो फंस गए कि ग्रेनेड बस हाथों से उनके छूट ही गया और अपने ही ठिकाने में वो ग्रेनेड गिरता हुआ दिखाई दिया। निखिल इतना ज्यादा क्लोज गाड़ी को चिपक के बैठे हुए थे कि उनका एडीएस भी वहीं के वहीं रह गए। यहाँ पे निखिल एक को नॉक करने में कामयाबी हासिल करी थी बट बाकी प्लेयर आए और उनको एलिमिनेट करते हुए चले गए। बट हाँ, यहाँ पे जिस तरीके से यम को उन्होंने पीछे छोड़ रखा था और वो सर्कल के बाहर, सर्कल के अंदर वो निकल गए थे, वो बहुत ही बढ़िया गेम हमें देखने को मिलता हुआ। बट यस, राहुल 1v2 का सिचुएशन उन्होंने जिस तरीके से हैंडल करा क्लोज रेंज में, हमें भी पता है यूएमपी बीस्ट है और वही सेम चीज एक बार फिर से वो हमें प्रूफ करते हुए दिखाई दिए। बिल्कुल, जिस तरीके से वहां पे आप देखिए क्लोज रेंज कॉम्बैट में उन्होंने 1v2 करा, पीक देख करके वहां पर फायर देते हुए नजर जरूर से आते। हालांकि उसके बाद हमें वो इंस्टेंटली फिनिश हुआ फोटो नजर आया क्योंकि जो ब्लू जोन का डैमेज था वो काफी ज्यादा था और उनकी हेल्थ भी हमें काफी कम देखने को मिल रही थी। टीएसएम एक बढ़िया फाइट उन्होंने भी दी। ऑरेंज ओआर की बात करें तो टीम सेल्सियस के मैक के द्वारा फिनिश ऑफ हुआ, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से पंक, आपने बोला, गमला बन के बैठे थे, काफी बढ़िया तरीके से उन्होंने वहां पर वो फिनिश सिक्योर किया क्योंकि टीएसएम एक बहुत बड़ी चुनौती उस टाइम उनके सामने थी जो उनका रास्ता रोके खड़ी थी जोन के अंदर जाने के लिए। पीछे से बढ़िया कवर फायर भी वहां पर दिए गए बट कनेक्शन उतने खास आए नहीं। एंड पंक की भी यहाँ पर तारीफ करनी पड़ेगी, जिस तरीके से उन्होंने वहां पर वो पहला नॉक निकाला और उसके बाद फिर मूविंग व्हीकल से वहां पर मुश्किलें बढ़ाई उन्होंने खिलाड़ियों की। बढ़िया ओवरऑल गेम प्ले हमें वहां पर देखने को जरूर से मिलता है। वह टीम RIP मीजो की अगर हम बात करें, पोजिशनिंग उनकी अच्छी थी, हाइट का एडवांटेज भी था, एक अच्छी फाइट उन्होंने जीती टीम रेवनेंट के अगेंस्ट, जहां पर मेंटल यम जो है उन्होंने भी काफी क्रूशियल एक रोल जरूर से प्ले करा। बट आप देखिए कि हर एक प्लेयर किसी दूसरे टीम के प्लेयर के क्रॉस हेयर पे भी हमें वहां पर देखने को मिल रहा था। टीम एक्ट लाइन्स, इन्होंने भी वही सेम स्ट्रैटेजी अपनाई कि एक खिलाड़ी को उन्होंने पहले ही जोन के अंदर भेज दिया एंड उसके बाद मैं कहूंगा कि कुछ बढ़िया फिनिशेस जरूर से आए इस फाइट से उनके पास, बट खैर उतनी अच्छी फाइट उनके लिए गई नहीं है वाली। पिछले मैच में हमने हैदराबाद हाइड्रास को ऊपर जाते हुए देखा था, इस मैच में हमने COX RIP मिजो को देखा। बट अगेन उतने ज्यादा पॉइंट उनके पास नहीं रहेंगे, 8 प्लेसमेंट मिलने वाले और साथ में अगर फिनिशेस की बात करी जाए तो 7 फिनिशेस उनके पास रहने वाले। आखिरी पायदान पे थे वो, 24वें स्थान पे थे, ये मैच उतना ज्यादा इनफ नहीं रहेगा। बट हाँ, एक मनोबल जो है वो जरूर उनका बढ़ेगा और अगले मैच में वापस से इसी तरीके से खेलते हुए दिखाई दिए तो बड़े आसानी से वो हमें टॉप 15 में देखने को मिल सकते हैं, अदरवाइज मुश्किलें उनके लिए वापस से होने वाली है। शुरुआत उन्होंने अच्छी करी है, देखते हैं कायम रख सकते हैं या फिर नहीं। बट हाँ, क्लच गॉड आज जितनी बार वो नॉक हुए हैं, बार बार नॉक हो रहे थे, जी गॉड उनको रिवाइव कर रहे थे, वापस से नॉक हो रहे थे, वापस से रिवाइव कर रहे थे, इस चीज की मैं बात कर रहा था। उन्होंने देखा भी कि व्हीकल लेके प्लेयर जा रहा है, फेयर्स को देखें, एक प्लेयर को उन्होंने डाउन भी कर दिया, उसके बावजूद फेयर्स इतना ज्यादा ओपन में वहां से निकल के जा रहे थे और खुद को सर्कल के थोड़ा सा और ज्यादा बाहर उन्होंने ढकेल दिया। उसी के बदौलत विनोदन चिकन डिनर स्काईलाइट के जो प्लेयर्स थे बड़े आसानी से निकाल के जाते हुए दिखाई दिए। आप देखें चारों प्लेयर उनके सरवाइव कर रहे थे, एक भी प्लेयर उनका खत्म नहीं हुआ। बड़ा फियर्स को देखें, सर्कल के बाहर